है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल सलवार की कटिंग करना। उसके लिए मैंने 2 मीटर का फैब्रिक ले लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने सलवार की बेल्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम इस तरीके से कपड़े को ओपन कर लेंगे और उसको लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमें कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है और ध्यान देना है कि उसमें एक भी श्रिंक ना बनी हो, नहीं तो हमारी कटिंग सही नहीं होगी। हमारे सलवार की फुल लंबाई 37 है। हमें हमारी बेल्ट की फिटिंग की लंबाई 7.5 रखनी है, तो हम 8.5 पे निशान लगा लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। हमें हमारे बेल्ट की लंबाई 24 रखनी है, बट यहाँ पे 19 आ रहा है, तो हम 19 पे ही निशान लगा कर कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम जब अपनी सलवार की कटिंग कर लेंगे, उसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वहाँ से हम बेल्ट की लंबाई को निकाल लेंगे। अब हम इस तरीके से अपनी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। हम कपड़े को इस तरीके से खोल लेंगे और चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को हम इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि इसमें एक भी श्रिंक ना हो। हमने कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है। हम कपड़े की बंद वाली साइड हमेशा अपनी तरफ रखेंगे और इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड हम उतना ही रखेंगे जितना हमें मोहरी या पोचे की लंबाई रखनी है। अब हम अपने सलवार की लंबाई पर निशान लगा लेंगे। हमारी सलवार की फिटिंग की लंबाई हम 30 रखेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे 30 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे बेल्ट की फिटिंग की लंबाई 7 है। टोटल सलवार की लंबाई 37 हो जाएगी। अब हम मोहरी या पोचे की लंबाई पर निशान लगाएंगे। मोहरी हमें 6 चाहिए, तो हम 7.5 पे निशान लगा लेंगे, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। अब हम इसके अपोजिट साइड में सलवार की लंबाई का निशान लगा लेंगे। जैसे हमने पहले निशान लगाया था सलवार की लंबाई का, सेम उसी तरीके से हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। और इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। दोनों निशानों को मिलाने के बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान हम 8.5 पे लगाएंगे इस तरीके से। हम दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से 8.5 पे निशान लगा लेंगे। हमने दोनों साइड आसन का निशान लगा लिया है, ये देखिए। हमारे सारे निशान लग गए हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे अब हम। इस तरीके से इसे हम खोल लेंगे। और इसकी कटिंग कर देंगे।
कटिंग करते समय जो कपड़ा एक्स्ट्रा हमारा बचा हुआ था उसको हम इस तरीके से बेल्ट में यूज़ कर हमने इस तरीके से रखना है और इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से हमारे बेल्ट की लंबाई 26 हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।